नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को मिले खुफिया जानकारी के बाद देश के अलग अलग जगहों में विशेष ऑपरेशन चलाकर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए इन 7 आतंकियों में से एक आतंकी के तार जनपद बहराइच के किशनगंज से जुड़े बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अबू बकर पुत्र मोहम्मद सुन्ना खान केसरगंज के सोनारी चौराहा का रहने वाला है, जो आतंकियों के साथ मिलकर देश में सिलसिलेवार विस्फोटों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। इन आतंकियों के विषय में और जानकारी हासिल करने को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमें रवाना हो चुकी हैं। आतंकी अबू बकर को दिल्ली के सरायकले से गिरफ्तार किया गया है। अब देखना यह होगा कि आतंकी अबू बकर बहराइच में कब से रह रहा था और इसके संपर्क में ऐसे कौन से लोग थे जो इस नापाक काम में इसका साथ देते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकी अबू बकर के घर मीडिया की टीम पहुंची तो यह बताया गया कि अबू बकर ने देवबंद से तालीम हासिल की है और कुछ महीनों से बहराइच के केसरगंज में रह रहा था। अबू बकर के छोटे भाई और चाचा का यह कहना है कि कुछ दिन पहले ही अबू बकर दिल्ली जमात में गया हुआ था और वहीं से उसकी गिरफ्तारी की गई। फिलहाल अबू बकर के परिजनों का यह कहना है कि वह निर्दोष है। हमारे संवाददाता परवेज रियोजवी ने आतंकी अबू बकर के चाचा से खास बातचीत की। न्यूज़ के माध्यम से शाम 4:30 बजे एटीएस वाले हमको ले गए थे जांच पड़ताल के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया। फिर बाद में न्यूज़ 10-15 मिनट के बाद न्यूज़ वालों से पता चला कि भाई को पकड़ लिया गया।